स्वीट 16 आई क्या? अरे क्यों मजाक करते हो बेटा, कल ही तो मैं 60 साल का हुआ हूँ। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ बुड्ढे, तेरे पैर कब्र में लटके हुए हैं। मैं तो 16 नंबर बस की बात कर रहा हूँ, जिसमें से पांच पांच खूबसूरत लड़कियाँ छन छन करती हुई उतरती है। अरे बस आ गई होती तो वो लड़के अभी तक यहाँ होते। यार ये 16 नंबर आई नहीं अभी तक, बहुत टाइम हो गया। हाँ यार, लेट क्यों हो रही है आज यार? अब बुड्ढे 16 आई क्या? क्या रे, तुम्हारे मोहल्ले में लड़कियां नहीं है क्या, जो हमारे मोहल्ले की लड़कियां छेड़ने चले आते हो? अबे झापड़े के है, हमारे मोहल्ले में तो लड़कियां बहुत हैं, मगर तुम्हारे मोहल्ले में मर्द नहीं है ना, इसीलिए तो आते हैं। क्या बोला बे? ये 16 नंबर बस आ रही है, 16 नंबर बस आ रही है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो पांच बहनों का भाई हिटलर भी साथ आ रहा है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? शुक्र है भगवान का। और सुनाओ बेटा, कहाँ से आ रहे हो? आज जरा फुर्सत थी, सोचा बहनों को कॉलेज से लेता हूँ। तेरी बहनों की इतनी फिक्र है तो गाड़ी ले ले उनके लिए, ये पब्लिक बस है, धक्का मुक्की होता रहता है, समझा? ये क्या दादागिरी है? इसलिए लोग तुझे हिटलर बोलते हैं। तुम्हारी बहनों को नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ मेरी बहनों को नहीं, इस मोहल्ले के किसी भी लड़की को छेड़ा तो अच्छा नहीं होगा, समझे? आई लव यू सुमन, तुम्हें इस प्रेम का प्रेम भरा सलाम। कैसी हो सुमन? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। ये मेरा 25वां प्रेम पत्र है, आज तो इसका सिल्वर जुबली हो गया है। ऐसा लगता है मैं आशिक नहीं, पोस्टमैन बन गया हूं। एक बात बोलूं? हाँ बोलना, मैं सुन रहा हूं। अबे अबे बालों के हथियारे, मैं तुझसे नहीं, मैं अपनी जाने जिगर सुमन से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तू बीच में कहां घुसरा रहे वस्त्र? कौन है, किसी है, किधर रहती है? पड़ोस में रहती है, बड़े बड़े कुत्ते हैं उसके पास, लंबे लंबे बाल है, काटने चलेगा? नहीं, नहीं। कुत्ते के बाल काटता है तू? अरे मेरा ग्राहक को भड़काता है तू? अभी आगे देख के कुत्ते के बाल काट, जल्द। क्या बोला? भाई साहब के बाल काट, पूरे मूड का टकला बना दिया। अरे क्या कर रहा, मेरा पूरा पाउडर क्लास कर रहा तू? ला ला पाउडर, इसको पाउडर बोलते हैं? अबे पाउडर ये चूल्हे की राख, इसमें खुशबू कहाँ है? कहाँ 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 खुशबू कहाँ है? पाउडर बोलता है, बात करता सलू नहीं है ला। इंक।
भाई अपनी प्रेमिका को अपना प्रेम पत्र दिया के नहीं? नहीं ना यार, उन पांच फूलों में एक कांटा है ना। कांटा कौन? उनका भाई हिटलर। भाई तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरी हड्डी पसली के साथ मेरी दुकान का सत्यानाश कर देगा, तू चला जा भाई, तेरे पाँव पड़ता है। अबे चुप, मैं आशिक हूँ, हज्जाम नहीं। अबे वो हिटलर अपने आप को समझता क्या है? आज ये लेटर मैं दे के रहूंगा, उस हिटलर की आंखों आंख खबर भी नहीं पड़ेगी, और ये लेटर उसकी बहन तक पहुंचा दूंगा। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम लोगों को एक ही बात सिखाई कि अच्छाई के रास्ते पर चलो, गंदगी के रास्ते पर नहीं। क्योंकि जिस दिन गंदगी का कीचड़ तुम्हारे दामन पर लग जाएगा, सर उठाकर न तुम जी पाओगे और न ही तुम्हारे भाई जी पाएगा। लेकिन तुम लोगों को तो गलती उस लड़के की नहीं है जिसने यह खत लिखा है, गलती तुम लोगों में से किसी एक की है जिसने उसे एक खत लिखने का मौका दिया है। वरना किसी की हिम्मत भी नहीं कि मेरी बहनों की तरफ आंख उठाकर देखे। अगर तुम लोगों के दिल में मेरे लिए जरा भी इज्जत है तो सामने आ जाए जिसने एक खत लिखा है। कौन है वो लड़का? मैंने पूछा कौन है वो लड़का? जी वो पूजा का भाई, राज का दोस्त। कहाँ मिला था तुम्हें? पूजा के घर। चाची, चाची, चाची। अरे करण, चाची राज कहाँ है? वो तो इस वक्त बैंक में होता है। कब तक आ जाएगा? क्यों, क्या बात है? देखिए चाची, मेरे घर में जवान बहन है और आपके घर में जवान बेटी है। मेरी बहनें यहाँ पर आती जाती रहती है। राज को कहना अपनी दोस्ती घर के बाहर तक ही रखे, दोस्तों को घर के अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं। मगर बेटे, तू किसकी बात कर रहा है? मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ चाची। ओह प्रेम, वो तो बेचारा सीधा और अच्छा लड़का है। हाँ, माजी माजी कहकर आपके पैर छूता होगा ना, इसलिए आपको सीधा लग रहा है। चाची वो एक नंबर का आवारा लड़का है। वो रहता कहाँ? तेरे अंकल आ रहे हैं, चुप रहे। नमस्ते अंकल। सुना है तुमने कल बस स्टॉप पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की? लड़कियों को छेड़ने वालों की पूजा नहीं की जाती अंकल। लड़कियों की नहीं, तुम्हारी बहनों की कहो। देखो करण, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही जवान बहनों के भाई नहीं हो, मैं भी एक जवान बेटी का बाप हूं।
अगर गली से आते जाते हर लड़के को मैं शक की नजर से देखूंगा ना तो जीना हराम हो जाएगा मेरा, जैसे तुमने अपना जीना दुश्वार कर लिया है। मैंने तुम्हारी बहनों के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लाए, लेकिन तुम्हें पसंद पड़े तब ना। अच्छे अच्छे रिश्ते, मानता हूं पहले इंजीनियर था लेकिन साथ ही जुआरी भी था, और वो डॉक्टर शाम होते ही पीने लग जाता था, और वो टीचर एक सिगरेट खत्म होते ही दूसरी जला लेता था। अब आप ही बताइए, टीचर्स ऐसे होते हैं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। देखिए आई एम वेरी सॉरी, जब तक आपका ड्राफ्ट पास नहीं हो जाता मैं उसके अगेंस्ट आपका चेक क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए हमें हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आए। ओके, मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं अपने सारे अकाउंट्स बंद करने आया हूँ। देखिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? मैं तुम्हारे मैनेजर की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगा। उठाओ ये पेपर्स और निकालो मेरे फिक्स डिपॉजिट के पैसे, एक पैसा इस बैंक में मेरा नहीं रहेगा। प्रेम क्या है यहाँ पे? हाँ चिल्ला क्यों रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे कहने में मैंने 3 लाख की गाड़ी 1.5 लाख में बेच के फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, ताकि तुम वो हिटलर भाई को मेरे बारे में अच्छा कह सको कि मैं अच्छा घर का लड़का हूँ, मेरे पास पैसे हैं, और उसकी बहन के साथ मेरे रिश्ते की बात करोगे। रिश्ता तो दूर, अपना चक्कर चला लिया, लोगों के पैसे घसीट घसीट के फिक्स में डाल के ये पोजीशन कर लिया, अब टाई लगा के हैव यू प्रेम, व्हाट अबाउट मी? प्रेम मैं तुम्हारी बात चलाने ही वाला था। कहाँ चला मेरी बात? कार चलाते चलाते साइकिल पे आ गया हूँ, अब क्या पैदल चलाएगा? ए भाई पैदल निकल तू। प्रेम प्रेम धीरे बोल, ये बैंक है यार, मेरी बेइज्जती कराएगा। और जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका कुछ नहीं है। एक चिट्ठी देने से कम है सुमन को, एक चिट्ठी। सुबह से लेके शाम तक हिटलर, रात को सोते जागते हिटलर, ऐसा लगता है मैं एक आवारा कुत्ता हूँ और मेरे पीछे म्युनिसिपैलिटी गाड़ी लगी रहती है। ये प्यार हुआ या मजाक? अरे भाई आपने भी प्यार किया होगा, आपने भी प्यार किया होगा। नहीं नहीं, प्यार व्यार क्या होता है? फोन तू क्या क्यों है बैंक में? क्यों है अर्थी के पैसे जमा कर रहे? हिटलर का भाई है तू? हट, चलो मेरे फिक्स से पैसे निकालो। प्रेम तू शांत हो जाओ, घर पर जा, मैं इस बार करण से बात करूंगा तेरे लिए, मुझे उससे अपने लिए भी तो बात करनी है, उसकी एक बहन से मैं भी तो प्यार करता हूँ। तेरी शादी सुमन के साथ होगी और हम दोनों साड़ू भाई बन के रहेंगे, प्रॉमिस। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना उस हिटलर को मैंने मेरा साला नहीं बनाया तो किसी और को भी उसका साला बनने नहीं दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। टेक केयर। मुझे कहीं डाल दे, लॉकर में डाल दे, अकाउंट में डाल दे, फिक्स में डाल दे, नहीं तो मुझे कोमा में डालेगा। प्रेम हुआ क्या है? हिटलर आ रहा है। तू तू यहां चुप चाप। हिटलर मेरे मर गए। ओह हाय करण, कैसे हो? वो फिक्स डिपॉजिट वाली स्कीम पसंद आई ना? इसे पहचानते हो? यार इतनी बुरी शक्ल का आदमी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। करण 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 मैं तो मजाक कर रहा था यार, ये प्रेम है मेरा दोस्त। कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। मेरा मतलब है कि इस बैंक में अक्सर आता जाता रहता है। मुझे इसका पता चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल। तुम एक काम करो, मेरे केबिन में जाके बैठ जाओ, मैं ये काम निपटा के आता हूँ। चल दिया ना। जाने दे जाने दे, छोड़ना यार छोड़ना, इट्स ओके। हेलो राज को फोन देना। तुम कौन? आपको बात करने की तमीज नहीं है? ये तुम क्या लगा रखा है? आप नहीं बोल सकते? तुम्हारा फोन है। हेलो राज है? राज मैं सीमा बोल रही हूँ। किस बेवकूफ ने फोन उठाया था? वो फोन मेरा मतलब है वो लोन आपके भाई ने उठाया था। भैया जी हाँ, और अभी तक उन्होंने हमारे पैसे भी नहीं लौटाए। अच्छा आप एक काम करिए, आप जरा होल्ड करिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ओके वन सेक। करण प्रेम का एड्रेस इस वक्त मेरी ऑफिस की डायरी में नहीं है, तो शाम को ड्यूटी खत्म होते ही मैं एड्रेस तुम्हें दे दूंगा। ओके भूलना मत। या
हेलो हेलो हेलो। अरे तुम्हारे भैया चले गए। भैया चले गए? हाँ। किसने फोन किया था? ओह, कल भैया शहर जा रहे हैं इसलिए हम पिकनिक पर जा रहे हैं, छुट्टी ले लेना। सच? अरे तुम्हारे साथ पिकनिक पे चलने के लिए एक दिन क्या, एक महीने की छुट्टी ले सकता हूँ मैं। बाय। तो बाय। यस। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बीए करो, एमए करो, सीए करो, मगर शादी की चिंता मत करो। हमारी शादी की चिंता तुझे क्यों होने लगी? क्योंकि इस घर से 5 डोलियां जाएंगी तो एक डोली आएगी ना। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। अरे भैया की मर्जी की आगे हम कैसे जा सकते हैं? आहा, मेरे भाई से प्यार तूने अपने भैया से पूछ के किया था क्या? अरे तू 5 बहनों की फौज, वो अकेला हिटलर क्या मुकाबला करेगा? डट के खड़े हो जाओ और कह दो भैया बहुत हो चुका, जल्दी मेरी शादी रात से करवा दीजिए, और बाकी बचे ये सब इनको तो मैं कहीं ना कहीं फिट करा ही दूंगी। अरे ये सीटी किसने बजाई? अरे जिस घर में 5-5 खूबसूरत जवान लड़कियां हो उस घर के सामने सीटी नहीं बजेगी तो क्या पुलिस का सायरन बजेगा? जरा देखूं तो ये सीटी किसके लिए बजाई है। ओहो तुम हो, ए ये सीटी किसके लिए बजाई? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सुमन तेरी लॉटरी निकल गई है, जा नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है तेरा प्रेम। क्या सीन होगा? अरे भैया ने देख लिया ना तो ये सीन रोमांटिक नहीं एक्शन होगा। अच्छा। ए, अगर हिटलर यहाँ आ गया तो तुम क्या करोगे? हिटलर आ गया तो क्या करूंगा, अभी बताता हूँ। उसके मोटरसाइकिल की हवा निकालूंगा ये, और पीछे की भी हवा निकालूंगा। समझी? उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद चाकू लेके उसके मोटरसाइकिल की सीट की भुर्जी बनाऊंगा। यो सीट को ऐसे उखाड़ के फेंक दूंगा और मोटरसाइकिल को ये उठाया। अरे हिटलर! मर गया। क्यों ना पुराना साइकिल? अरे बाबा! क्या तमाशा लगा रखा है? और वो क्या कर रहा था इधर? कौन? वो? मुझे क्या पता, मैंने बुलाया था उसे। क्या मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं, अच्छे भले घर की ऐसी की तैसी करने वाली लड़की हो। कैराफ में जाओ यहाँ से। इसलिए सारी दुनिया तुम्हें हिटलर कहती है? बाबरे मर गए। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। मैंने हिटलर किसे कहा तुमने? हिटलर? कौन हिटलर? कैसा हिटलर? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मेरी आँख तोड़ दी। देखो, मुझे अंधा बना दिया तुमने। अब अंधा बना के बाद में शादी से इनकार कर दोगे? दिखाओ, खोलो आँखें। चलो 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 भागो। अच्छा वो किसी ने देखा नहीं।
मेरा संभाल के जाना। भैया हमारे होने वाले जीजाजी के लिए मिठाई भी रख दी है। और हाँ भैया, हमारे होने वाले जीजाजी की तस्वीर जरूर ले आना। आशा दीदी उन्हें देखना चाहे ना चाहे, हम तो उन्हें जरूर देखना चाहेंगे। पहले बाहर तो जाने दीजिए, चलिए। भैया आप कब लौट आएंगे? कल शाम तक लौट आऊंगा। और सुनो, तुम सब अपना ख्याल रखना। और हाँ, और वो पागल पूजा आए ना, हाँ उसे घर के अंदर मत आने देना, समझे? बिल्कुल नहीं।
कैसे आना हुआ? बैठो। आप ही से मिलने जा रहा था, पता चला आप यहाँ हैं, सो यहाँ चला आया। हाँ बस, अचानक ही दौरे पर निकल पड़ा। घर में सब ठीक है ना करण? जी सब ठीक है। आप लोगों ने क्या सोचा? मम्मी पापा ने आशा को पसंद कर लिया है, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया करण। और आपने? अरे भाई, मेरे कहने पर ही तो उन्होंने आशा को पसंद किया है। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूं करण। खुशकिस्मत तो मेरी बहन है जिसे आप जैसा जीवन साथी मिला। नहीं, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आपके घर में मेरा रिश्ता तय हुआ है। शुक्रिया। तो मैं चलूं? एक भाई ने अपनी बहन के प्रेमी का खून कर दिया। भाई है या कसाई? एक भाई ने अपनी बहन के आशिक की आंख फोड़ दी, उसका मुंह काला करके कंधे पे बैठा कर उसका जुलूस निकाला। इन भाइयों का प्रोग्राम अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा फोटो भी बहुत जल्दी छपने वाला है। मगर मैं तो सूख गया ना। देखो मुझे जाने दो वरना कल के अखबार में मेरी फोटोग्राफ छप जाएगी। क्यों? क्योंकि हिटलर आ गया है। अरे ऐसे पुतले की तरह क्या खड़ी हो, जाकर अपने भाई को रोको। तब तक मैं पीछे के दरवाजे से भागता हूँ। ओके, मैंने वही कहा था, मुझे अपने घर पर मत ले चलो। पतलून सुखाने के लिए मुझे यहाँ ले आई। अब इस हिटलर का क्रोध मुझे सुखा कर रख देगा। इनको भी क्या करे, जाओ जल्दी। अब क्या करूं? ओ भैया, आप आ गए? क्या हो रहा है ये? कब से आवाज दे रहा हूँ, दरवाजा बंद करो। कब से आवाज दे रहा हूँ, कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। भैया आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन कलेक्टर साहब रास्ते में मिल गए ना। कहाँ है सब लोग? अनु, प्रिया, आशा, कहाँ है सब लोग? क्या हुआ? What? आ गई ना, यही तो है। क्या कर रहे थे आप लोग? भैया पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा अच्छा, इसीलिए तो इतना नाम है शहर में मेरी बहनों का कि कलेक्टर साहब ने बिना देखे ही आशा के लिए हाँ कर दी। भैया तस्वीर लाए। अरे तस्वीर लाना भूल गए, सॉरी। भैया दिखने में कैसे हैं? अगर श्री भगवान रामचंद्र जी खुद कलेक्टर बन के आए तो कैसे लगेंगे? बहुत अच्छे। बिल्कुल वैसे ही लगते हैं कलेक्टर साहब। भैया। अरे हाँ, तुम सबके लिए नए कपड़े लाए। क्या हम इस खुशी में बाहर जाकर खाना खाए? हाँ। हाँ? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। कमान 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 कमान। उस कमरे में मत जाओ। अरे क्यों, क्या हुआ उस कमरे में? वहाँ नहीं। देखो ये तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ, तुम भी चेंज करके आ जाओ। लो 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 लो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ओके, अब भी आया। कौन है? निकल साले। राज, आराम से आते तू? करण मेरी, क्या कर रहा था मेरी बहनों के रूम में? करण, करण मेरी, आराम से आ जा। करण मेरी, क्या कर रहा था मेरी बहनों के रूम में? क्या कर रहा था तू?
माफ कर दे तू अपने आप को, सुना तेरी दोस्ती में जान से मार दूंगा तुझे साले। क्या किया है पूछो अपने बेटे से, वो क्या कर रहा था मेरी बहनों के कमरे में? क्या यही सिखाया आप लोगों ने इसे कि दूसरे की बहनों के कमरे में जाके उनके कपड़े बदलते हुए देखे? देखो तुम, अगर तुम्हारी बेटी के कमरे में घुसकर मैंने ये हरकत की होती तो कैसा लगता आपको? क्या बके जा रहे हो तुम, क्या बके जा रहे हो? कुछ भी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी बहन ने इसे बुलाया होगा। उंगली नीचे करके बात कर। और ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, बाहर जाके किसी और को दिखाना। अरे क्या अपनी बहनों की शराफत का ढिंढोरा पीटता फिरता है? तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बहनें जो रंग रलियां बनाती हैं। तूने इन पर हाथ उठाया, हाथ उठाया तूने इन पर? चुप बैठ, निकल जा यहां से, निकल जा। मैं यहां एक मिनट रुकना भी नहीं चाहता। तुम लोग भी ध्यान से सुनो, अगर तुम में से कोई भी एक भी यहां दिखाई दिया तो काट के रख दूंगा। और तुम अपनी बेटी को समझा दो कि वो मेरे घर में कदम भी नहीं रखे। मैं तुम जैसे घटिया लोगों के साथ रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। आई से गेट आउट। ओ शट अप। चलो चलो। गेट आउट आई से। करण, करण मेरी बात सुनो एक मिनट। तुमने जो भी फैसला किया है वो बिल्कुल बिल्कुल गलत। चलो करण। करण, मैं सीमा से प्यार करता हूं और एक दिन उससे शादी करके रहूंगा, करके रहूंगा। संभाल मला दे। और तेरे को मालूम है करण साहब किधर रहता है? माला मा इतना है हरासान। हाँ क्या ना विचार ना क्या वो साहब, वो करण साहब किधर रहता है? तुमको माहित है का है? हम भी नए आए भाई, उनसे पूछ लो। उसको पूछो। ते बाग। राम राम गांव वाले। राम राम। साहब वो करण साहब किधर रहता है इधर मालूम क्या? करण करण करण। अरे इस गांव में बहुत से करण है, कौन सा करण? अरे भाई जिसकी पास पास भाई ने पास पास। हिटलर। हिटलर नको, करण करण। अरे हम सब उसको हिटलर ही बोलते हैं। तुम क्या हिटलर के रिश्तेदार हो? माला भाई कहां है? खरा सांग। नहीं 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 नहीं, हम तो ना बाजू के गांव में रहते हैं। हमको किसी ने बोला कि उसकी पास पास बहने को संभालने को और कॉलेज से लाने को और कॉलेज ले जाने को एक नौकर नौकरानी की जरूरत है। ये वास्ते मैं और मेरा औरत इधर आया। तेने मेरा रास्ता बंद। एक काम कीजिए बहन जी, आप यहाँ रुकिए, मैं इनको ले जाता हूँ। हिटलर का दोस्त यहीं कहीं रहता है, मैं आपको उनसे मिला देता हूँ। वो अपनी कार में आप दोनों को बिठा के ले जाएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि हिटलर यहाँ नहीं रहता, हिटलर बहुत दूर रहता है। नहीं लाम। हाँ। कितना चांगला मानुस है तुम। ये भाव। हाँ। वो करण भाव आदमी चांगला तो है ना? अच्छा तो। अरे बहुत अच्छे, आपको देख के इतने खुश हो जाएंगे और ऐसी आओ भगत करें कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत अच्छा आदमी है। वो जो मोटरसाइकिल में बैठे हैं ना, देखे दे रहा, वो हिटलर के दोस्त हैं। उनसे पूछते हैं कि हिटलर कहाँ रहते हैं, वो बताएंगे। क्या पूछेगा? किधर रहता है हिटलर? हिटलर हिटलर किधर है? आभारी। क्या भारी है? धन्यवाद। अरे धन्यवाद है, कोई बात नहीं यार। मेरा औरत को भेजो जल्दी। जा बलि के बकरे जा। राम राम भाव। राम राम। ये हिटलर किधर है? ऐसा टोड़ा फाड़ फाड़ के काय को देखता है? हिटलर माहित नहीं? अरे पांच पांच बहन का लेडीज हॉस्टल है उसका, और वो वॉचमैन है उधर का। चलो
तुम्हारे पति को हमने वहाँ पहुँचा भी दिया है और वो काम पे भी चढ़ गया है और थक के सो गया है। आई गोदेवा, इतना काम, अभी काम पे चढ़ा, अभी थक के सो भी गया। काम पे चढ़ने का हर आदमी थक के सो जाता है। वो मोटरसाइकिल पे जो बैठा है ना, वो करण है, उसका दोस्त हिटलर है। उसको जाके पूछो कि हिटलर किधर रहता है। काय 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 बोला तू, कौन लर कौन किधर रहता है? उसको जाके पूछो हिटलर किधर रहता है। हिटलर हिला हिला, हम सब पीती है, हिटलर बोलना नहीं आता है। बोलो हिटलर। मैं लिया। बोलो हिट हिटलर लर, दोनों साथ में बोलो हिटलर। हाँ हिटलर। हेलो बराबर ना। हिटलर 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 हिटलर। कौन मेलिया सुबह सुबह बेवड़ा पी के सोला है? सारे लोग काम कर रहे हैं और ये मेलिया सुबह सुबह बेवड़ा पी के पड़ा है। ऐसे लोग को काम पे काहे को रखते हो? मेरे मर्द को देखो, ड्यूटी पे सड़ा, काम भी किया, थक के सो भी गया। ओ भाऊ, वो आदमी किधर रहता? कौन? मतलब माँ इतना है, काय नाम? हाँ, जिसकी पास पास भाई ने। करण? नहीं नहीं, करण फिर नहीं रे, कौन सा सांगला ही इंग्लिश नाम होता? फिल्टर? नहीं नहीं नहीं, फिल्टर नहीं नहीं, खड़ूस नाम होता। थर मैं पूछती, हे भाऊ कौन सा नाम होता रे? ये राम भाव है। राम राम। और ये इनकी पत्नी सीता। सीता भाई। राम 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 राम। और ये मेरी पांचों बहन है। आप लोगों को इन्हें संभालना है। आप लोगों रहने का बंदोबस्त यही कर दिया है। बराबर। और कुछ चीजों की जरूरत हो तो बता देना। बराबर। भाऊ भाऊ, आप तो रख दी देवा सारखा मानूस है, पर इधर का सब लोग वेड़ा पागल है। अरे आपको खाली फोकट में हिटलर बोलता है। अरे भाई देखो, ये सब मिलके मुझे मार रहे हैं। अरे 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 रुकिए, आप लोग इसे मार क्यों रहे हैं? अरे करण साहब, ये लड़का हमारे मोहल्ले की लड़की से 2 साल से प्यार करता है। अब शादी की बात आई तो कोरट की तरह तारीख पे तारीख बदले जा रहा है। लड़की के बाप से झगड़ा क्या हुआ, ये लड़की से शादी नहीं करेगा। लड़की का रोरू के बुरा हाल है, इन दोनों के बारे में सब लोग जानते हैं, और अब शादी नहीं करेगा। अभी आप ही समझाइए, आप समझदार हैं। अरे तुम लोगों को थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है, किससे राय ले रहे हो और किस बात पर? इससे पूछ रहे हो तुम? इससे? अरे इससे क्या मालूम है, यार मोहब्बत दिल किसे कहते हैं। हाँ इससे पूछना तो ये पूछो कि भाई बहन की मोहब्बत क्या है, बहनों को कैसे कॉलेज छोड़ना है, बहनों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कहाँ आना जाना चाहिए और उन पर कैसे नजर रखनी चाहिए, है ना? देखा, भाई बहन की स्टोरी कोई सुनना नहीं चाहता, सबको चाहिए लव स्टोरी। तुम जानती हो हमारे ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, मेरे पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझे? ठीक है तो तुम ही मेरे पीछे पड़ जाओ। ए, सुनो पूजा, पूजा पूजा चाबी वापस दे दो। पूजा पूजा दरवाजा खोलो। खोलूंगी नहीं। पूजा दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, समझी? यही तो मैं चाहती हूँ।
डरने का नहीं, घबरने बिबरने का पन नहीं, देखता है किसका ताकत है तुम लोग को छेड़ने का। जो आंख उठाकर भी देखा ना, उसका वाट लगा डालेगा, सीटी मारेगा ना, उसका भोपू बजा डालेंगे। तुम्हारी हिफाजत अब ये कार्टून करेगा। ए, जवान को संभालने का, अनुवाद करने का, तेरे को मालूम नहीं मैं कौन है? चल हाथ। राज, मैं इसको संभालता हूँ, तू उन लोगों को संभाल लेना। ए, तू मेरे को सच्ची मुच्ची में मारा कि मजाक में मारा? मैं तेरे को सच्ची मुच्ची मारा रे। तार ठीक है, कारण के मजाक भी जाक मेरे को पसंद नहीं है। मजाक मेरे को भी पसंद नहीं है। तो बॉडीगार्ड बनता है, नहीं हमारी लाइन खराब करता है। नहीं, 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 नहीं,
अबे तेरे को जायदाद पे सांप बना के बिठाना है उस हिटलर ने, मैं तेरा फनी कुचलता हूँ। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ। अरे मेरे को बचाओ, अरे अरे मेरे को काम जाने दो रे। अरे पास में से एक तरी वासवा हो। राज उनसे कह दो कि उन्हें छोड़ दे, भैया को पता चल गया तो बात बिगड़ जाएगी। देखो मैं यहाँ पे बात बढ़ाने नहीं आया, सिर्फ इन लोगों की गलतफहमी दूर करने आया हूं। उस दिन कमरे में मैं सिर्फ करण की वजह से था, मुझे क्या मालूम था कि आप सब चार लोग भी उसी दिन कमरे में आ जाओगे। करण, करण ने मुझे गलत समझा, मुझे थप्पड़ मारा। मैं चाहता तो उसके थप्पड़ का जवाब दे सकता था, उसे बोल सकता था कि मुझे यहां लाने वाली उसकी बहन सीमा है, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता था कि एक बहन अपने भाई की नजरों में गिर जाए। मैं आज भी सीमा से बहुत प्यार करता हूं और इससे शादी करना चाहता हूं। नहीं राज, मुझे भूल जाओ। क्या? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? मैं भैया के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, उन्होंने हमें बड़ी मुसीबतों से पाला है। भगवान की खींची हुई लकीर को हम पार कर सकते हैं, लेकिन भैया के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए मैं अपना प्यार तो क्या, अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं भैया का दिल दुखाकर तुम्हारे साथ गृहस्थी नहीं बसा सकती हूँ राज। भाऊ 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 बघा, हे बघा, हे बघा, हापण बघा, ये देखो देखो भाऊ भाऊ, आप ना पायलट का भाऊ, वो लोग ने देखो मेरे को क्या कर डाला, हालत बना दिया मेरा। किसने किया ये? अरे भाऊ वो प्रेम, प्रेम मेरे को क्या किया भाऊ। प्रेम अरे अरे मैं आउट हो गया, छोड़ दे रे, अरे छोड़ दो, मैं आउट हो गया रे, अरे अरे मैं अरे छोड़ो छोड़ो, अरे मैं आउट हो गया रे, आउट हो गया रे, अरे आउट हो गया रे मैं। लोगों को मारने का बहुत शौक है ना? ए खबरदार, बीच में नहीं आने का, आपस का मामला है। भागो 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 कौन गधे की तरह चिल्ला रहा है? अरे प्रेम, ये तुम लोगों ने क्या हालत बना रखी है यार? कबड्डी के मैच में कौन जीता? और कौन जीतेगा? करण जीता, करण। करण? ये देख यार, ये देख, ये देख, ये देख, ऐसी ऐसी जगह मारा जहाँ मारना नहीं चाहिए था वहाँ भी मारा उसने, ऐसे पेट तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ में घास फूस को भी नहीं छोड़ा उसने। यार यार तू हमेशा मार खाने के बाद मेरे पास ही क्यों आता है? हाँ तुझे शर्म दिलाने के लिए,
ना खुद कुछ किया ना मेरा चक्कर चला है। अरे करण की बहन के साथ मेरी शादी हो जाती तो क्या वो मुझे इस तरह मारता? तेरी वजह से मैं कुंवारे सांड की तरह सूखे जंगलों में फिर रहा हूँ। पहन लो ये चूड़ियाँ। तुम लोग इतने सारे होकर एक अकेले करण का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके सामने जाकर कहो कि तुम उसकी बहनों से प्यार करते हो। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहो, डट कर खड़े हो जाओ उसके सामने, जंग का ऐलान करो और बगावत करो। देख बहन, ये कहना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, तुम लोगों के लिए मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, अगर तुम दोनों तैयार हो तो। देखो, आइडिया ऐसा हो जिसमें मुझे मार खाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि कम से कम 2 महीने तक मैं मार खाने के पोजीशन में नहीं हूँ। अरे तू देखता जा, क्या आइडिया आया है मेरे दिमाग में। महाभारत।
मिस्टर काबरा, 2 साल की सजा काटने के बाद तुम आज एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। कोशिश करो दोबारा इस जेल का मुंह ना देखना पड़े। मुझे नहीं लगता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई और होगा जो अपने ही पेट पर लात मार रहा है। अगर तुम्हारे कहने पर हमारे जैसे लोग सुधर जाएंगे तो कौन आएगा इस जेल में? सरकार ताला मार देगी इस जेल को। इसीलिए संसार जैसा चल रहा है चलने दो, कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं। अरे वेलकम वेलकम काबरा सेठ, मुबारक हो। एक मिनट, किस खुशी में ये हार पहना रहे हो? मैं 2 साल जेल में जग मारता रहा उस खुशी में? अरे काबरा सेठ, 2 साल के बाद अब रिहा हुए इस खुशी में? अरे तुम्हारे होते हुए तो मुझे 6 महीने में बाहर आना था, किस बात के दोस्त हो तुम? काबरा सेठ, आपको 2 साल 2 महीने की सजा हुई थी, मैंने चक्कर चलाकर 2 महीने कम करवाए। एक बाल उकाड़ देने से मुर्दा हल्का नहीं हो जाता। मेरा मुन्ना कहाँ है? मैं उसे सीने से लगाने के लिए तरस रहा हूँ। पता नहीं इन 2 सालों में उसकी क्या हालत हुई होगी। कहाँ है मेरा मुन्ना? सेठ जी, मुन्ना सो रहा है। मुन्ना जी, मुन्ना, मुन्ना, तू इतना दुबला क्यों हो गया? मैंने जेल जाने से पहले क्या बोला था? देख मुन्ना, टेंशन देने का लेने का नहीं। आखिर तूने टेंशन ले लिया ना? बोल 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 मुन्ना, क्या बात है, बोल। बताता हूं। क्या कोई हमारे गोडाउन जलाकर चला गया, हमारा माल लूट कर ले गया, हमारे सारे धंधे चौपट कर गया और तू कुछ नहीं कर सका? मुन्ना, तू अगर किसी को घूर के देखा वो अपने पटलून में पिशाब कर देता। अगर मजाक से भी किसी को मारा तो वो वही मर जाता। फिर भी तू उस आदमी का पता नहीं लगा सका? अरे मुन्ना, हम दोनों भाइयों को अपने मर्दानगी पर नाज है, फिर ये तीसरा मर्द कौन पैदा हो गया? वो तीसरा मर्द मैं हूं। कौन? बलवंत, तुम्हारा होलिया बता रहा है कि हमारी बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो। बरसों पहले जो कुछ तुमने मुझे दिया, आज वही सूद समेत तुम्हें लौटा रहा हूं काबरा। हमारी असलियत तो तुम पहले से ही जानते हो, फिर भी तुम्हें डर नहीं लगा? डर? किस बात का डर? मौत का? मैंने अपनी जिंदगी में मौत से ज्यादा खतरनाक हादसे देखे। अब मैं मौत से नहीं डरता, मौत मुझसे डरती है। तुमने जो मुझे धोखे दिए और तुमने दोस्त होकर जो मेरे साथ गद्दारी की है, उसका मैं तुम लोगों से ऐसा बदला लूंगा कि तुम लोग तो मरने के बाद भी उसे याद रखोगे। और इसको मेरी धमकी मत समझना, ये मैं तुम्हारे बीच खड़ा होकर तुम्हारे मुंह पे चैलेंज मार के जा रहा हूं। हाय मुन्ना, कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे पता होता कि ये गोली तुम पे चल रही है तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाता। मां, मैंने आज तक वही किया जो तूने चाहा। बहनों को बेटियों की तरह पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। कभी तुम्हारी कमी महसूस होनी नहीं थी, कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तेरी आत्मा को दुख पहुंचे। मां, आज अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने उस आदमी की जान बचाई जो तेरी मौत का जिम्मेदार है। याद है ना मां, याद है तू कैसे जिंदगी के लिए तड़प रही थी और मैं बेबस और लाचार होकर अथरीली आंखों से तुझे देख रहा था। खराब पति मिला, इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद भी क्या जरूरत थी दूसरे की बीवी से नाता जोड़ने की। उस मालिक ने नौकरी दी, घर दिया, उसी की बीवी पे डोरे डाले।
आंख जगा ले सका कोई कह दे क्या होती है बस इसे जिंदा रखना। अरे तू तो अपने आप को शार्प शूटर कहता है, फिर बता बलवंत कैसे बच गया? बलवंत का बेटा करण बीच में आ गया था, पहले उसको खत्म करना था। बलवंत के वजह से तो सिर्फ मेरा माल बर्बाद हुआ है, करण के वजह से मेरे 2 साल बर्बाद हुए। मैं सारी दुनिया से कहता हूं कि कभी टेंशन देने का लेने का नहीं, मगर जिंदगी में पहली बार उस करण ने मेरे को टेंशन दिया, याद है ना मुन्ना? थैंकफुल कर देना प्लीज। जल्दी कर यार, बहुत टाइम हो गया। अरे कर तो रहा हूं यार। अरे क्या कर रहा है, अभी तक आधा भी नहीं हुआ, टाइम खराब हो रहा है यार। हाँ जल्दी कर यार, घर मेरे को जाना है, कितना लेट हो गया मैं? हाँ समझता नहीं तू, कितना टाइम हो गया यार, जल्दी कर यार जल्दी कर। ए भाई चाबी कहाँ निकाल रहा है, चाबी इधर दे, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आ गया तेल लेने। पेट्रोल में केरोसिन होता है, अभी पता चल गया। अरे
ये लीजिए इंस्पेक्टर, कैरोसिन टैंकर चाबी। गिरफ्तार कर लो इनको। ठहरो, मेरे मुन्ना को कोई नहीं छुएगा। इंस्पेक्टर, ये पेट्रोल पंप मेरा है, मेरे नाम पर है। थैंक यू मिस्टर करण, अगर आप ठीक समय पर फोन नहीं करते तो इनको रंगे हाथों पकड़ना मुश्किल हो जाता। मुन्ना, कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं, तो फिक्र मत कर, मैं यूं गया और यूं आया। हमारा मिलावट का धंधा है, अनाज में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, लेकिन हमारी दुश्मनी में मिलावट नहीं होगी, प्योर दुश्मनी। करण, मेरी बदनामी का बदला तुझे बदनाम करके ही लूंगा। तुझे ऐसा बदनाम करूंगा कि तुझे रोने के लिए मजदूर भी नहीं मिलेंगे। शाबाश, संपला, चला चला, बहुत टाइम हो गया। वो आशा दीदी को लेने को, प्रोफेसर साहब के घर को भी जाने का। चला चला चला, लौकर चला, चला। बाय दीदी, नमस्ते। हाँ, चला, बाय बाय, बगा, चला। आशा दीदी। राम भाऊ, वो तो जा चुकी। कब? 5 मिनट हुए। आज ट्यूशन जल्दी खत्म हुआ इसलिए जल्दी चली गई। साहेब, 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 आशा दीदी, आशा दीदी अजून तक घर को नहीं पहुंची। घर नहीं पहुंची? हाँ। मतलब? प्रोफेसर साहब के घर लेने को गया, पर उधर से तो कब का निकल चुकी हो साहेब। कितनी बार कहा उन्हें अकेला मत छोड़ा करो। इतना रात हो गया, मेरे को तो बहुत डर लगता है साहेब। हे देवा, कुटे के लिए पूरी बाला मार। देखो, घबराने की कोई बात नहीं, आशा कोई बच्ची नहीं, गई होंगे अपनी सहेली के वहाँ, हम लोग उसे ढूंढ लाते हैं। जल्दी देखो ना साहेब। भैया जल्दी आना साहेब, हाँ ध्यान से लाओ कर आना साहेब। रोकना रोकना साहेब, रोकना। हाँ, ये घर है, वो सामने वाला वही। हाँ, बस बस। शीतल, ये इतना ही है, इतना ही है ये। हाँ राम भाऊ। आशा ही हाँ, वो आज नहीं आई। नहीं, नहीं। तुम मौसी की बात देखो, मैं आगे देख कर आता हूँ। वही साहब, वही वही। मौसी, मौसी, 2 कलाक हो गया, आशा दीदी का किधर भी पता नहीं, इधर तो नहीं आई। इधर तो नहीं आई राम भाऊ। ठीक है, घर को जाके देखता हूँ। काका, आशा ही थी यहाँ? नहीं बेटा, यहाँ नहीं आई। करें? नहीं आई, मैंने नहीं देखा। आशा ही थी यहाँ? नहीं साहब, नहीं, यहाँ नहीं आई। आप चिंता मत कीजिए, मैंने कांस्टेबल को भेज दिया है, आपकी बहन जरूर मिल जाएगी। और फिर ये शहर इतना बड़ा तो है नहीं कि ढूंढना मुश्किल हो जाए। साहब, 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 आशा दीदी घर को वापस आ गई। आ गई? हाँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम एंड सॉरी। थैंक यू। या या या। आशा कहाँ है? माला भाई, इतना है। खरा सांग। बेडरूम में। पर उसको कुछ बोलना नहीं साहब, वो बहुत डरे लिए। लेकिन हुआ क्या? कहाँ गई थी वो? नहीं नहीं, गई तो किधर पर नहीं थी, पर घर को आते पकड़ पाँव फिसल गया और कीचड़ में जा गिरी। हाँ। उसे चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं साहब, चोट भी तो काय पर नहीं आई। भैया, कीचड़ में गिरने से उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए कपड़े बदलने के लिए अपनी सहेली के घर चली गई थी। भैया प्लीज, दीदी को डांटना नहीं। आशा, भैया, भैया, भैया। अरे, ए, अरे, ए, सुन, उठो। अरे, रो क्यों रही है? सहेली के घर गई थी ना, तो क्या हुआ? मैं कोई पागल तो नहीं कि किसी भी बात पर डांट दूं।
रात बहुत हो चुकी थी और तू घर नहीं आई, इसलिए घबरा गया था। चल रोना बंद। अरे तुझे तो तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर आता हूँ। नहीं 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 भैया नहीं, आप डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी भैया, मैं हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, तू रोना मत, आजा आजा, चल चल। गना साहब देखिए, मैं आशा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आशा के बारे में कहिए। वो क्या है कि बात कुछ ऐसी है कि फोन पर नहीं बता सकता, मुनासिब होगा आप हमारे घर आ जाएं। जरूर। क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था, चाहता तो ये बात मैं छुपा भी सकता था, मगर मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अपनी पत्नी की अचानक हुई मौत के गम में मैं अक्सर शराब पीने लग गया। आज आशा ट्यूशन लेकर घर वापस चली गई तो मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, मगर थोड़ी ही देर में आशा भागती हुई डरी सहमी सी अचानक वापस आ गई। आशा ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ बोलो। वो कुछ कुंडे मेरे पीछे पड़े। मैं देखता हूं। अच्छा बाहर तो कोई भी नहीं है। तुम एक काम करो, अंदर अलमारी में मेरी पत्नी के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, जाकर बदल लो। डरो मत, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। जाओ जाओ। हाँ हाँ। प्रोफेसर से मिलके आ रहा हूं। आशा, ए आशा, मेरी बहन, देख, मेरी नजरों में मेरी बहन आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी वो कल थी।
दोष तेरा नहीं है, दोष मेरा है, मेरी परवरिश का है। आज आज महसूस हुआ कि भाई कभी मां बाप की जगह नहीं ले सकता और ना ही वो प्यार दे सकता है। आज अगर मां जिंदा होती तो कब की तेरी शादी हो चुकी होती, लेकिन मैं अच्छे रिश्तों की तलाश में बार बार तेरी शादी टालता रहा। कुछ ही दिनों में तुम्हारी कलेक्टर साहब से शादी होने वाली है, समझ में नहीं आता क्या करो। पागल हो गई है, जिन हाथों पे बरसों से तू राखी बांधती आई है, तू चाहती है, तू चाहती है मैं उन्हीं हाथों से तेरा गला घोट दूं? ए, ए आशा, मत रो रे, मत रो। सुन, इस घर की दीवारें टूट कर गिर जाती है, उसी घर के आंगन में लोग अपना रास्ता बनाते थे। मत रो, मत रो। भैया, मेरी शादी कलेक्टर के बजाय प्रोफेसर साहब से कर दीजिए। ये क्या कह रही है तू? हाँ भैया, चाहे मेरी जिंदगी नरक हो जाए मगर मैं उस कलेक्टर के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। अगर मेरी जिंदगी में दो बच्चों के बाप की बीवी बनना लिखा है तो मुझे मंजूर है, लेकिन लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहनों की जिंदगी तबाह हो। आज तक तुझे फक्र था कि मैं तेरा भाई हूं, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बहन है। भगवान से यही दुआ करूंगा कि हर जन्म में तुझे मेरी बहन बना के भेजे। अच्छा, एक बात और, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी शादी प्रोफेसर के साथ क्यों हो रही है। लेकिन भैया, घर के लोगों को तो असलियत बतानी ही पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान को खुद से भी छिपानी पड़ती है। अगर किसी ने पूछा तो ये कहना कि ये मेरा फैसला है, तुम्हारे भाई का फैसला है। जिद्दी, घमंडी और हिटलर का खिताब तो दुनिया ने मुझे दे ही दिया है, बहनों ने भी अगर ये ताना दे दिया तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तुम पे कोई उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। भैया, मत रो, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो रहा है? क्या गुनाह है आशा दीदी का जिसकी वजह से आप उनकी शादी कलेक्टर से ना करके दो बच्चों के बाप से कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारा शहर देखेगा। सारा शहर तो देखेगा भैया, लेकिन आशा दीदी की डोली नहीं, उनकी अर्थी उठते हुए देखेगा। आप दीदी के लिए शादी का जोड़ा नहीं लाए हैं, कफन लाए हैं, कफन। कल जब वो आपके सामने आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे एक जिंदा लाश आ रही है। कल और आज के बीच में ऐसा क्या हो गया जो दीदी से सौतेला सलूक करने लगे? दीदी कोई गाय बकरी नहीं जिसे किसी भी कूड़े से बांध दिया जाए। आशा दीदी ने भले डर कर आपके सामने सर झुका लिया हो, लेकिन आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए, हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। Shut up! इस घर में फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है, या वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारी 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 तुम सबकी शादी वही होगी
खर्चा मैं तय करूंगा। आशा की शादी में अगर आना हो तो आ जाना, और अगर नहीं आना हो तो मत आना। आप भाई नहीं, वो कसाई है जो बकरी के बच्चे को दाना पानी खिलाकर बड़ा करता है, और एक दिन गोश्त के बाजार में जाकर उसे बेच देता है। सब लोग माला माँ इतना ही बेडरूम में। सीमा, प्रिया, अनु, शादी तो बहुत विदाई के वक्त तो हर लड़की रोती है, लेकिन आशा इसलिए रो रही थी कि तुम लोग क्यों नहीं आए। खैर, मैंने तो समझा दिया। कहने लगी मैंने सीमा पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, घर जाकर माफी मांग लो। कहाँ है वो सीमा? कहाँ है अनु? सीमा, 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 मैंने तो उससे कहा था ना करण कि एक दिन तेरी बहन से शादी करके रहूंगा। ये देख, तेरी बहन से शादी भी कर ली और कानून ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी। तेरी बहन की मांग में भरा ये सिंदूर और गले में पड़ा ये मंगलसूत्र चीख चीख के कह रहा है कि ये मेरी जीत है और तेरी हार। और हां, आज के बाद अपना सिर उठाकर नहीं झुकाकर बात करना, क्योंकि रिश्ते में मैं तेरा जीजा और तू मेरा साला है। दर से अलग कर दूंगा तेरे सर को, समझता क्या तू अपने आप को? मिस्टर करण, राज मेरा पति है और इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। क्यों मार दोगे तुम्हें? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरी मां की अपने त्याग का सिंदूर भर दिया? क्या इसलिए कि
इन्होंने प्यार किया तो निभा कर दिखाया। तुम्हें इनकी जान लेने के बजाय के पैर छूने चाहिए। इन्होंने तुम्हारी बहन की जिंदगी संवार दी, वरना तुम तो मेरी मांग में सिंदूर के बजाय राख भर देते। भैया भैया कहते हैं, हमारी जबान कभी थकती नहीं थी। हमने तुम्हें अपना भाई नहीं अपना भगवान समझा था, लेकिन तुमने तो ये साबित कर दिया कि तुम अपनी बहनों के लिए भगवान नहीं शैतान हो। शैतान माँ जल्दी आओ, भैया आ गए। जीती रहो बेटी। आओ आओ बेटी, आओ बेटी। वहीं रुक जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? पापा ये आपकी बहू है। इससे पहले हमारा एक रिश्ता है, बाप और बेटे का रिश्ता। तू इतनी जल्दी कैसे भूल गया कि इसके भाई ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया था? ये शादी करते वक्त तुम्हें ये याद नहीं रहा कि इसके भाई ने तेरे घर में घुसकर तेरे बाप के मुंह पर तमाचा मारा था? क्या तेरी नजरों में तेरा प्यार तेरे बाप के गैरत से बढ़कर है? लेकिन पापा इसमें सीमा का क्या दोष है? भूल जाइए इन बातों को और सीमा को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। खामोश! इन दोनों की सफाई में बोलकर तू भी अपना रास्ता बना रही है, लेकिन याद रखना ना मैं इस लड़की को अपनी बहू स्वीकार करूंगा ना ही उस करण को अपना दामाद। चली जाओ यहां से, चली जाओ अपने उस सरफिरे भाई के पास। मैं अपने भाई का घर हमेशा के लिए छोड़कर इस घर में आई। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, चली जाओ यहां से। अगर ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? तू भी चला जा इसके साथ। आप इसे आशीर्वाद देने की बजाय जाने को कह रहे हैं, अपनी औलाद को जाने को कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसी औलाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अंदर चलो, अंदर चल। मगर मेरी अंदर आ जा, चलो अंदर। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। ओह दीदी, हाय दीदी। अरे कहाँ जा रही हो? जिसने तुम्हारे भाई के मुंह पर काली पोत दी उस बहन से मिलने जा रही हो? जाओ, लेकिन वापसी पे इस घर के दरवाजे हमेशा बंद पाओगे। उसको मारो बिना। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं घर, इस घर के सामने ये घर, इसे कहते हैं खुली आंख में मसाला डालना। आज से राज और मेरी सीमा भाभी यही रहेंगी,
यहीं रहेंगे। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? समझ गया। अरे ये कैसे पड़ोसी हैं जो ये देखने भी नहीं आए कि इस घर में रहने कौन आया है? हाँ। लेकिन हम भी ऐसे पड़ोसी की परवाह नहीं करेंगे। हाँ। अरे ऐसे पड़ोसी की परवाह करता कौन है? और नहीं तो क्या? भाभी, आपकी आंखों से गंगा जमुना क्यों बह रही है? ये तो खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि आज की तारीख में हमारी बेगम साहिबा अपनी भाई के जेल से रिहा हो गई। वर्मा, मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार ने तुझे वकालत की डिग्री कैसे दी। रिश्वत दे के ली क्या? बुड्ढा हो गया तो अब तेरा दिमाग काम नहीं करता? अरे जब तेरा बेटा करण के बहन से शादी करके उसे अपने घर पे लाया, उसे घर के बाहर क्यों निकाला? उसे अपने घर में रखता, टॉर्चर कर करके उसका जीना हराम कर देता। अब तो वकालत करने के काबिल नहीं है वर्मा। अरे तूने मेरी वकालत अभी तक कहां देखी है काबरा? शीला, ओ शीला, जी ये शीला है, करण की बहनों को डांस सिखाती है। अगर आप भी हमारा डांस कंपटीशन देखने आते तो कितना मजा आता। जरूर आता बेटे, लेकिन क्या करूं, मिल में नई मशीन आने वाली है, मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। शीला जी, मन करो इनका ख्याल रखना, पहली बार अकेली बाहर जा रही है। इन लोगों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हे भाव, इन लोग का फिक्र करने के लिए ये राम भाव है ना, आप फकत अपना धंधे पर ध्यान दियो बस। चलो बैठो। नमस्ते। मैं आगे बैठूंगी। हाँ बस बस, तू आगे बैठ, तू खिड़की पर बैठ। बाय बाय। बंद कर। हाँ चले। हाँ संभालना। चला चला। बाय। चला भारिया, डुलकर दरिया चा राजा, वल्लर डकवा हो रामा। अरे मैं हारमोनियम तो घर पे भूल आई। राम भाव काय, आप जाकर ले आइए ना। हे भाई, मेरे को ऑर्डर बीडर नहीं देने का, ये राम भाव खाली साहब का ऑर्डर सुनता है। इन लोग को छोड़ के मैं किधर को पर नहीं जाएगा। क्यों, इधर क्या कोई हमें खा जाएगा? टीचर है ना हमारे साथ, तुम जाकर हारमोनियम लेकर आओ। मैं किधर कूपन नहीं जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि हमारा डांस खराब हो जाए, हमारी बेइज्जती हो जाए? बेबी ऐसा नहीं बोलने का, ये तुम लोग का बेइज्जती से तो राम भाऊ का बेइज्जती ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो फिर जल्दी जाओ ना प्लीज। तो जाता है ना, नहीं जाएगा तो तुम लोग का डांट सुनो, जाएगा तो साहब वाट लगाएगा। जाता है मैं, जाता है ये। चलो भाव। हाँ आप लोग चलो, मैं आती हूँ। काम सब प्लान के मुताबिक हो रहा है? जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो अभी आती होगी। सुनिए गर्ल्स, शो का वक्त हो रहा है और इस रूम में एक ही बाथरूम है, इसलिए मैंने 3 चाबियां और ले ली हैं। आप लोग अलग अलग रूम में तैयार हो जाइए। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को रूम दिखा दूं। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। ओके। कहाँ जा रही थी मेरी बेटियों को? इन लोगों का डांस कंपटीशन है। मैं जानता हूँ कौन सा घिनौना खेल खेलने जा रही थी तू, मेरी बेटियों की इज्जत का सौदा करने जा रही थी तू। डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब है, मार क्यों रहे थे आप इनको? डैडी आप एक शरीफ औरत को कैसे मार सकते हैं? खामोश। मैं अच्छी तरह जानता हूँ किस किस्म की शरीफ औरत है, बता किन लोगों से मिली हुई तू? बोल बोल। चलो जल्दी करो, जल्दी। कहाँ ले जा रही थी मेरी बेटियों को? ए मिस्टर, ये क्या हो रहा है, कौन है आप? मैं कौन हूँ?
यहाँ क्या हो रहा है वो आज मेरी बेटियां भी देख लेंगी। चलो मेरे साथ, चलो चलो। यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है, देखिए कहीं भी नहीं। भगा दिया लोगों को, कहाँ भगा दिया? मैं सब भगा दिया। कौन साहब? यहाँ कोई नहीं है। कहाँ भगा दिया? यहाँ कोई भी नहीं है क्या बात है इंस्पेक्टर? मैं बताती हूँ भैया, डैडी ने तो हमें बदनाम कर दिया। कैसी बात करी बेटी? अगर मैं वहाँ सही वक्त पे नहीं पहुँचता तो? अगर आप नहीं आते तो बहुत अच्छा होता, आज आपकी वजह से हमें पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। भैया, डैडी कह रहे थे टीचर हमें डांस कॉम्पिटिशन के लिए नहीं, हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए लेके जा रही थी। देखिए ना करण साहब, कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, मुझे तो सुनते हुए भी शर्म आ रही है। ये बदजात झूठ बोल रही है, मेरे यकीन करो। आप पे यकीन करो, आप पे यकीन करो। 15 साल पहले भी तो आप पे यकीन किया था, क्या हुआ? आप तो छोड़कर चले गए और आप ही की वजह से हमें हमारी मां को भी खोना पड़ा। दोबारा आप पर यकीन किया तो शायद मुझसे मेरी बहनों का भी साथ छूट जाए। नहीं, लीजिए सर, चलो। बेटा, नहीं, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप लोगों को यह कहने के लिए यहां बुलाया हूं कि इस मोहल्ले में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे कैसा अनर्थ हो गया भाई? क्या बताऊं, मेरी मुंह बोली बहन पर ऐसी बिजली गिरी कि इसकी खुशियां जलकर राख हो गई है। अरे लेकिन हुआ क्या है? अब क्या होने को बाकी है, सिर्फ 7 महीने बाकी है। क्या? सारा मोहल्ला इसे बेटी कहता है ना, हाँ, मगर ये बेटी बेटी नहीं रही है, माँ बनने वाली है ये। क्या आप लोग उस शैतान को माफ कर सकते हैं जिसे फूल जैसी बच्ची की गोद में शादी से पहले गोभी का फूल डाल के ऐसा गायब हो गया है जैसे मार्केट से प्याज गायब हो जाती है? अरे वो कौन था आदमी जिसने इसके साथ इतना बुरा सलूक किया? अरे मैं उसका नाम लूंगा ना तो आप लोग मुझे मारने दौड़ेंगे। वो इंसान के नाम पे कलंक है, इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया कोई और नहीं, करण है, करण। उसकी बहनों को छेड़ता है ना तो उसकी आंखें फोड़ देता है। उसकी बहनों की इज्जत इज्जत है, हमारी बहनों की इज्जत इज्जत नहीं है, ऐसे बैठे रस्ते पर। अरे आप नहीं जानते कि वो कितना बड़ा लोफर है। इस बच्ची को मिलने के लिए अपनी मिल में बुलाया करता था और ये जाती रही, इसे क्या मालूम कि ऐसा होने वाला है। तुम्हें पूरा यकीन है ये करण ने किया है? ये कौन है घंटा कर यार जो खामखा बहस कर रहा है यार यूं? अरे इससे आगे खुद ही पूछ लो। हाँ भैया सच कह रहे हैं, मैं करण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बारे में और कुछ कहना बाकी है? मोटरसाइकिल नहीं लाए, मोटरसाइकिल की आवाज नहीं आई ना? अब सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देगी तुम्हें। ए कहां जा रही हो? पताल, मैं बेकसूर हूँ, मैं तो शहर छोड़ के जा रहा था, इसने मुझे फंसाया। अरे पूजा तुझे कैसा आइडिया सूझा एक शरीफ आदमी को बदला करने का? बेशरम। बेशरम मैं नहीं हूँ, बेशरम तुम हो। इसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं ऐसी लड़की हूँ। नहीं झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मैं तो कल के ट्रेन की टिकट लेने जा रहा था। मैं आज ही कटवा देता हूँ ऊपर की। नहीं मैं निर्दोष हूँ, खरगोश हूँ, खरगोश का शिकार मत करो, शेर मारो, शेर मारो, शेर मारो।
तेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। तेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। ये सबको पता है यार तू मुझ पे मरती है। मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। तेरे बोल कहां से गुजरे कभी किसी के प्यार की कलियां इधर उधर ना बिखरे। मैंने बहुत छुपाया लेकिन कह गई सब कुछ नजरे। तूने प्यार किया है फिर इतना क्यों डरती है। मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। तूने क्या कसूर किया है? मेरे पापा पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? वर्मा, मेरी बेटियों को बदनाम करने से पहले तू ये भूल गया कि तू भी एक बेटी का बाप है। बेटी बदनाम होने के बाद बाप के दिल पर क्या बीतती है, वो कैसी जिल्लत की जिंदगी गुजारता है तू नहीं जानता।
ये मैं तुझे आज बताऊंगा कि क्या होता है बाप के दिल पर। चल। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। जो तुम उनसे बदला ले रहे हो, क्या किया है उन्होंने? करण सही करता है जो तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी बेटियां भी अपनी जगह सही हैं जो तुमसे नफरत करती हैं। तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अरे जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा? अगर मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, अगर मेरी बेटियां मुझसे नफरत करती हैं, अगर मैं अपनी बीवी का ना हो सका तो सिर्फ तेरे बाप की वजह से। सुनना चाहती अपने बाप की करतूतें कि वो कितना कमीना जलील और गिरा हुआ इंसान है? हिम्मत है सुनने की तो सुन। इतनी देर हो गई पुलिस में कंप्लेन किए हुए, अब तक मेरी बेटी घर नहीं पहुंची। पता नहीं कहां ले गया होगा मेरी बेटी को, किस हाल में होगी वो। तुम जरा चुप भी करो, कुछ नहीं होगा अपनी बेटी को। जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी मुझे भी है, मैं बाप हूं उसका। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं उस बलवन को जान से मार डालूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। लेकिन जेल से छूटने के बाद करण और मेरी बेटियों ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट को तरस गया हूं। मुझे खुशी है कि जो प्यार मैं अपने बच्चियों को न दे सका वो करण ने दिया। उसने अपनी बहनों की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दी, मगर मेरे दुश्मनों को फिर भी सुकून नहीं मिला। तेरे बाप ने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी बेटियों को वैश्या साबित करने की कोशिश की, और अगर उस दिन मैं ऐन मौके पर न पहुंच गया होता तो मेरी बेटियों की इज्जत खाक में मिल गई होती। मेरी बच्चियां दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मेरी जिंदगी की हर दुख, हर तबाही, हर बर्बादी का जिम्मेदार तेरा बाप है, सिर्फ तेरा बाप। पूजा बेटी तू आ गई। बेटी पूजा, बेटी बेटी तू ठीक तो है ना? बता मुझे कहाँ लेके गया था वो, बता मुझे। पापा, करण के पिताजी भरे बाजार में और आपकी आंखों के सामने मुझे क्यों उठा के ले गए? वो अपनी बेटियों के बारे में क्या कह रहे थे? आपने उनकी बेटियों के साथ ऐसा क्या सलूक किया था जो आपको ये दिन देखना पड़ा? तुम उस कमीने की बातों में। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं। अपने बाप से सवाल कर रही है तू? मतलब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे? ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं ये बात करण के पिता से जाके पूछ लूंगी। चुप! बाबा बहुत दर्द हो रहा है ना? मेरे बेटा, जिंदगी में जो दर्द सहे हैं उसके मुकाबले में दर्द कुछ नहीं है। तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? अगर आपको कुछ हो जाएगा बाबा तो क्या होगा हमारा, कहाँ जाएंगे हम? अरे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तकदीर में मरना ही लिखा है तो एक काम करना बेटे, मेरे बाद मेरे बेटे करण के पास चले जाना, वो तुम लोगों को संभाल लेगा। दिल में दुनिया वालों के लिए बहुत जगह है, अगर नहीं है तो अपने बाप के लिए नहीं है। वर्मा, अगर बलवंत ने हमारे बारे में तुम्हारे बीवी बच्चों को सब कुछ बता दिया तो अपना कौन क्या कर लेगा? ले पी ले। इस बात को हंसी में मत उड़ा काबरा। तुम हमेशा कहते हो ना टेंशन देने का लेने का नहीं, वो धरा का धरा रह जाएगा। अगर बलवंत की बातों में आकर मेरी बीवी बच्चों ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया तो अपने परिवार की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दे दूंगा, और सेठ जी और उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में तुम्हें सजा भी हो जाएगी। इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है, बलवन को खत्म कर दो। ये
घर पे आके मेरे को चैलेंज किया था कि बर्बाद कर दूंगा। बैड लक। करण भाई साहब दरवाजा खोलिए। करण भाई साहब, क्या बात है, शोर क्यों मचा रहे हो? करण भाई साहब को बुलाइए ना। वो घर पर नहीं है। तो कहाँ होंगे वो? हमें नहीं पता। ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए आपके डैडी बहुत सीरियस है और हॉस्पिटल में सिर्फ करण को याद कर रहे हैं। जल्दी बताइए कहाँ है वो। मेरे भैया को अपने पास बुलाने का अच्छा बहाना ढूंढा है आपके सामने। उनसे जाकर कह दीजिए उनके ये नाटक का हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। चलो। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा मत। अंकल करण भैया नहीं आए? वो घर पर नहीं है। उनकी बहनों को सांप के बारे में कह तो दिया है मगर देखिए पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में करण का आना यहाँ बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरह से करण को यहाँ लाइए, शायद उनका आना पेशेंट के लिए दवा का काम कर जाए। हम लाएंगे करण भैया को। भैया कौन हो तुम बेटी? भैया जल्दी चलिए। कहाँ बेटे? हॉस्पिटल में करण भैया। किसी ने बाबा को आपकी बेटी को चाकू मार लिया। कभी? आज शाम को। लेकिन किसी ने वहाँ बताया तो नहीं? ये सब अंकल आए थे आपको लेने। क्या बात सच है? आप चलिए जल्दी भैया। हाँ भैया चलिए, बहुत तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब, पलवन साहब कहाँ? आईसीयू में है इस वक्त। उनसे कोई नहीं मिल सकता, खून काफी बह गया, फिलहाल बेहोश है वो। करण साहब, मैं बलवंत साहब के साथ ही रहता हूँ। इन दोनों बच्चियों को बलवंत साहब ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। ये बलवंत साहब की सेठ की बच्चियां हैं, जिनके कत्ल के इल्जाम में साहब को ही सजा हो गई थी। साहब की एक ही ख्वाहिश थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आपको अपने सर लेनी। इनका दुनिया में कोई नहीं है। करण साहब अनाथ है बेचारे दोनों, आप ही इनके सब कुछ हैं। साथ में तो लड़कियां कौन हैं? बहन बना के लाया होगा तुम्हारा भाई। देखो जब तक इस घर में 5 बहनें ना हो ना, तुम्हारे भाई को चैन नहीं पड़ता। 2 गई 2 आई, हो गई 5। आओ बेटे आओ, घबराओ मत। राम राम साहब। ये लो, आज ये घर तुम्हारा ही समझो। अनु, प्रिया, सुमन। बेटे ये प्रिया दीदी है, ये सुमन दीदी है और ये अनु दीदी है। इन दोनों को तुम अपने बहन ही समझो। भैया ये हाँ, आज से ये दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे। बेटे किसी चीज की जरूरत हो तो इनसे ले लेना। हाँ सीता भाई। हाँ यस साहब। सीता भाई इनका ख्याल रखना। हाँ। और सामान कमरे में रख देना। यस यस साहब। आशा दीदी का बेडरूम खाली है, ये दोनों मूली को उसमें डालेगा काम। वहाँ नहीं, ये घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। पीछे नौकरों का कमरा खाली पड़ा हुआ है, वही डाल दो इन्हें। क्या हुआ दीदी ने कुछ कहा?
रही है, लेकिन हमारे जीते जी ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकती? क्या गुनाह है इनका? क्या आप नहीं जानते इन बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं वो हमारी बर्बादी का जिम्मेदार है, हमारी माँ का कातिल है। आप भी तो डैडी से नफरत करते थे, फिर आज अचानक आपके दिल में डैडी के लिए इतना प्यार कहाँ से जाग गया? ना ही प्यार जागा है और ना ही नफरत की आग ठंडी हुई है, लेकिन अपने बाप के गुनाह की सजा मैं इन बेगुनाहों को तो नहीं दे सकता। ये मासूम है, बेसहारा है। आज के बाद ये दोनों इसी घर में रहेंगे, ये मेरा फैसला है। और तुम दोनों ध्यान से सुनो, तुम दोनों यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। और अगर तुम्हारे यहां रहना किसी को पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, तो वो खुद यहां से जा सकता है। अरे क्या बात है? ओ क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या हुआ? क्या हुआ बोलो ना, तुम लोग क्यों रो रही हो? क्या बात है, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? साहब वो तीनों घर छोड़ के चली गई। कहाँ गई? सीमा दीदी के घर। प्रिया, सुमन, अनु, मैं जानता हूं तुम तीनों मुझसे बहुत नाराज हो, अपने भैया को माफ कर दो और घर चलो। अरे मैंने तुम लोगों को सचमुच घर से निकल जाने के लिए नहीं कहा था, वो तो गुस्से से मेरे मुंह से निकल गया। तुम लोग अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम लोगों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। चलो घर चलो बेटे, चलो। दीदी भैया से कह दो कि अब हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे। अनु, मैं उस चौखट पर खड़ा होकर तुम लोगों को बुलाने आया हूँ, जिस चौखट पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। तो किसने बुलाया यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से, ये अब यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। मैं परायों से नहीं, अपनों से बात कर रहा हूँ। मैं भी इनकी अपनी हूँ, बड़ी बहन हूँ। इंसान बड़ा कर्म से होता है, उम्र से नहीं। और तूने तो ऐसा कर्म किया है कि आज तक मुझे सर उठाने के काबिल नहीं रखा। तूने जो खुद किया इन्हें भी सिखाएगी, लेकिन मैं इनकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। करण, हमने इन तीनों को यहाँ पे नहीं बुलाया, ये तीनों अपनी मर्जी से आए हैं और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो राज। अपने तेवर अपने पास रखो करण, ये मेरी चौखट है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। निकल जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन अगर शाम तक मेरी बहनें घर नहीं पहुंची तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बहनों को मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं तेरी सांसें छीन लूंगा। भूल जाऊंगा कि तू सीमा का पति है, मेरी बहन का सुहाग है। मेरे पति को, मेरे सुहाग को जान से मार देने की धमकी थी, वो भी मेरे भाई ने। वो क्या समझते हैं, वो ये नाटक करके जाएंगे तो हम डर के घर चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। दीदी हमने फैसला कर लिया है, अब हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे, हमारा कोई भाई था ही नहीं। भैया जीजा जी को धमकी दे के गए हैं, तुम दोनों उसके बारे में नहीं सोच रहे हो? भैया बहुत गुस्से वाले हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त जीजा जी को कहीं भी मार सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें भैया के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए और उन्हें। सबसे छोटी हो लेकिन बातें सबसे बड़ी की है तुमने।
तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम्हारे भाई को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ उसे जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा मुजरिम है, बहुत गुनाह किए हैं उसने। उसका पहला गुनाह ये था कि माँ के मर जाने और बाप के जेल जाने के बाद उसने अपनी बहनों की परवरिश का जिम्मा उठाया। उसका दूसरा गुनाह ये था कि दिन रात मजदूरी करके भी वो भूखा रहा, लेकिन कभी अपनी बहनों को भूख का एहसास होने नहीं दिया। उसका तीसरा गुनाह ये था कि अपने हिस्से की चादर भी तुम्हें उड़ाकर वो रात भर सर्दी में ठिठुरता रहा। अरे एक जवान बेटी माँ बाप के सीने पर पत्थर की सील की तरह होती है। करण के सीने पर पांच पांच जवान बहनों का बोझ किसी पहाड़ से कम नहीं है। बड़े दुख झेले हैं, बड़ी तकलीफ उठाई उसने, सिर्फ जिंदगी नहीं इज्जत भी दी है तुम लोगों को। और अपनी प्यारी लाडली बहनों के लिए इतनी तकलीफ उठाने के बाद करण थक चुका है। उसे आराम करने के लिए जेल से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। पूजा ठीक ही तो कह रही है, बचपन से लेकर आज तक जिस भाई ने एक पल के लिए भी अपनी बहनों को अपने सीने और आंखों से अलग न होने दिया हो, तुम सबने जरा सी बात पर नाराज होकर उसे अकेला छोड़ दिया। अगर उसने मुझसे गुस्से में कुछ भला बुरा कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाता। अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी वही करता। उसके गुस्से में भी अपनी बहनों के लिए प्यार था। वैसे भी हमसे उसकी नाराजगी अपनी जगह ठीक ही तो है, हमने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करके उसका दिल जो तोड़ा है। मुझे लगता है तुम सबको अभी और इसी वक्त करण के पास लौट जाना चाहिए। उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, उसे अपनी बहनों की जरूरत है। लेकिन जीजा जी, हम भैया के पास किस मुंह से जाएंगे, क्या कहेंगे उनको? मैं करण से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उसे, मैं तुम सबको उसके पास लेके चलूंगा। चलो। तुम साथ नहीं चलोगी सीमा? शादी के बाद लड़की को पहली बार लेने के लिए उसके मायके से कोई ना कोई आता है, लड़की खुद चलकर अपने मायके नहीं जाती। भैया से कहना मुझे अपने ससुराल से ले जाए, मैं उनका इंतजार करूंगी। करण, करण। अग्गा भाई, तुम लोग वापस आ गए। पूरी सीधा भाई, करण कहां पर है? साहब तो घर ही नहीं, सुबह से परेशान थे, अभी तक आए नहीं। साहब कहां गया होगा? माला मायत नहीं, पर आपको तो मालूम ही होगा, साहब जब भी परेशान होते किधर जाते। हाँ ठीक है। करण, हम सबके बीच जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। और इतना ही नहीं, प्रिया, सुमन और अनु को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया है। मैं तुम्हें लेने आया हूं करण, मेरे साथ चलो। करण, मैं तो तुमसे सिर्फ माफी।
साहब, कोई तो भी उधर राज को मार मार के घायल कर दिया है। राज को मारा? बहुत मारा साहब, अनारोप तुम्हारे पे लगा रहे थे, बोलते तुम्ही उसको मारा। अरे समझने की कोशिश कीजिए, ये हॉस्पिटल है। अजीब बात है, आप लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? भर गया दिल, निकाल ली दुश्मनी, या और भी कुछ बाकी है? सीमा मेरा भरोसा करो, मेरा मैंने राज को नहीं मारा। पहले आशा दीदी की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे? सीमा मेरा यकीन करो, सीमा मैंने राज को नहीं मारा। मत बोलो। अरे हथियार तो तुमने उसी दिन उठा लिया था जिस दिन हमने शादी की थी, और आखिर तुमने वो हथियार चला ही दिया। अरे राज तो तुमसे माफी मांगने आए थे और तुमने उनके साथ ये सलूक किया। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पूजा, पूजा, तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। पूजा सुनो, क्या तुम लोग अपने भाई को कुछ हुआ समझते हो? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? जब बहनें बोझी थी तो फिर पाला क्यों था? गला दबाकर मार ही देते बचपन में। अगर तुम्हारी जगह कोई मुंह बोला भाई भी होता ना, तो अपने बहनों के साथ ये सलूक नहीं करता। तुमने तो इतनी गिरी हुई हरकत की है, बहुत दुख हो रहा है। अब तो तुमसे डर लगने लगा है। डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे बेटे। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। आपकी जमानत हो गई। आप यहां साइन कीजिए। भैया, ये सब क्या हो रहा है भैया? जल्दी चलो भैया, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उनके पास कुछ ही सांसें बाकी हैं, उससे तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो भैया, चलो। मेरा क्यों नहीं आया? चलो।
बेटा। साहब साहब करण साहब आ गए। तू आ गए मेरे बेटे, इससे पहले कि मौत मुझे अपने गले लगा ले, एक बार मेरे गले से लग जा बेटा, एक बार मेरे गले से लग जा। क्या करूं? मैं जानता हूं तेरे दिल में मेरे लिए अभी तक नफरत भरी हुई है और खत्म नहीं हुई, मगर बेटा मैं तेरी मां की मौत का जिम्मेदार नहीं हूं। वरना मैंने अपने सेठ का कत्ल किया, मुझे फंसाया गया बेटा। तेरे सर की कसम, तेरी स्वर्गीय मां की कसम, मैं बेगुनाह हूं। तुझे याद होगा जब तेरी मां बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने 2 दिन में ऑपरेशन करने को कहा। उस गरीब के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तेरी मां का ऑपरेशन करवाता। मैं मदद मांगने के लिए अपने मालिक सेठ शांतिलाल के पास गया। देखिए मुनीम जी, आप सेठ जी से कहिए कि वो चिंता ना करें, ये केस हम किसी भी हालत में जीतेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम्हारी बीवी की तबीयत कैसी है? पहले से और ज्यादा खराब हो गई है, डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन करने को कहा वरना वो मर जाएगी। मुनीम जी सीडी से क्या के थोड़े पैसे दिलवा दीजिए, वरना मेरी बीवी तो गई। ठीक है, मेरे बच्चे सारी जिंदगी आपको दुआएं देंगे। तुम इधर ही रुको, मैं बात करके आता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बलवंत तू फिक्र मत करो, अपने सेठ जी दिल के बहुत अच्छे हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सेठ जी, सेठ जी। क्या किया आपने? सेठ जी और उनकी पत्नी का खून कर दिया आपने? खामोश। तुम्हारी बीवी बीमार है ना, तो इलाज कराने पैसे चाहिए ना, ले लो। मुझे नहीं चाहिए। अपनी बीवी का इलाज कराओ। अरे मगर तुमने अपने मालिक का खून कर दिया। अरे वर्मा तुम इसको समझाओ ना। क्या समझाएंगे? टेंशन देने का लेने का नहीं, समझाओ इसको। ये पैसा लो। ये नहीं, अपनी पत्नी का इलाज करो, मेरी बात सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ जाओ। अरे मगर मैं देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ तुम जाओ। अरे मगर मैं सब संभालूंगा, जाओ। जी? हाँ, तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। तुम कितने अच्छे और काबिल वकील हो यह साबित करने का वक्त अब आया है। दवाली का जिसे मैं घर की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, शांतिलाल और उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में। पुलिस लॉकअप में वर्मा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे बेगुनाह साबित कर देगा, लेकिन अदालत में वर्मा ने मुकदमा मेरे खिलाफ लड़ा। शांतिलाल की पत्नी के साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात बताए, उसने मुझे कातिल साबित कर दिया। और मुझे सजा होगी। तेरी मां यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी, वो इस दुनिया से चली गई। जेल से छूटने के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की कि तुझको सच्चाई बताकर अपने दिल की भड़ास, अपने दिल का गम निकाल सकूं, मगर जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। अगर मुझे पता होता
कि मेरी मौत मेरे बेटे को करीब ला सकती है तो मैंने कब कब मौत को गले लगा लिया होता। ऐसा मत कहिए पिताजी, ऐसा मत कहिए। एक बार मैं बोल, ऐसा मत कहिए पिताजी। मेरा जीवन सफल हो गया, और यही एक शब्द सुनने के लिए तुम मैं जिंदा था। पहले जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था, मेरी जिंदगी का मकसद हल हो गया। अब मुझे तकदीर से कोई शिकायत नहीं है। मगर बेटा एक नसीहत देकर जा रहा हूं तुझे। इस बाप का एक कर्ज तेरे दामन में डाल रहा हूं। अपने दुश्मनों को कभी छोड़ना मत, उनको तबाह बर्बाद कर देना, मिटाकर खाक कर देना उनको। दोबारा उनको कभी हमारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाने का मौका ना मिले। वादा कर बेटा, वादा कर, वादा कर। उनको मिटा देना उनको। काबरा सेठ। क्या बात है वर्मा, इतना परेशान क्यों है? सिर्फ बाप को मार देने से काम नहीं चलेगा काबरा सेठ, उसके बेटे को भी मारना बहुत जरूरी है। उस करण ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है। अपने आदमियों को भेजकर उस करण को खत्म कर दो, और वो कोर्ट कचहरी की परवाह मत करो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? याद है वर्मा, एक दिन तूने क्या कहा था? अपने बीवी बच्चों के नजरों में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दूंगा, ऐसा ही कुछ कहा था ना मुन्ना? ऐसा ही कहा था। उस दिन से तेरे ऊपर मेरा माथा ठनकने लगा। तेरे बेटे पे जानलेवा हमला करण ने नहीं, हमने किया था, और इल्जाम डाल दिया करण पर। एक तीर से दो शिकार, इसी को कहते हैं वर्मा। समझा, मैं सब कुछ समझ गया। काबरा, गलती मेरी थी जो मैं तुम जैसे कमीनों का सारी जिंदगी भर साथ देता रहा, और दरअसल उसी पाप की सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। लेकिन यह मत समझना कि मैं चुपचाप बैठूंगा, यह मत समझना तुम लोग। भैया, टेंशन देने का लेने का नहीं। गवाही देगा व्हाट? ये हमारा कोर्ट है वर्मा, यहां फैसला हम करते हैं। रामा, इन्हें जल्दी अस्पताल ले जाओ, जल्दी। हाँ,
पिताजी, ये क्या हुआ? राज पर हमला मेरे अपने दोस्तों ने किया था और इल्जाम लगा दिया करण पर, ताकि ताकि करण को गुनहगार साबित कर सके, लेकिन करण ने कुछ नहीं किया। तुम्हारा भाई निर्दोष है बहू, वो निर्दोष है भैया। करण, मुझे मालूम है हम सब ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, मगर इस घर को छोड़कर हमें इतनी बड़ी सजा मत दो करण। तुम्हारे चले जाने के बाद अगर मैंने तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारी ले भी ली, तब भी मैं करण नहीं बन सकता। करण,
पूछा। पूछा जब मैं एक अच्छा भाई साबित नहीं हो सका तो एक अच्छा पति कैसे बन सकता हूं? अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और शादी कर लो। भैया प्लीज प्लीज मत जाइए हमें छोड़ के, प्लीज। बेटे बेटे अब तुम सब बड़े हो चुके हो, जिम्मेदार हो चुके हो, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकते हो, तो अब तुम लोगों को इस भाई की क्या जरूरत है? करण रुक जाओ, करण करण रुक जाओ, करण करण भैया कौन मैं?